तो गाइस इस वेबसाइट पे जो है ऑलमोस्ट 777.8 मिलियंस का ट्रैफिक है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होता है वो है यूएसए कंट्री का। आप सबको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में जो है मैं एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जो आप सबको पता है, लेकिन उसको जो है सही से यूज़ करना मेरे हिसाब से आप में से बहुत कम लोग को पता होगा। तो गाइस उस वेबसाइट का नाम है कोरा। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, और ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करेंगे वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, विथ प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा। तो गाइस वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करना। उससे पहले गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, ये चैनल जो ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेस में बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड और रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO की वीडियोज आपको मिलती रहेगी। तो गाइस जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ ही साथ गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। उससे क्या होगा गाइस, जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफाई होता रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, आप सबको पता ही होगा गाइस मैं जो है गिव अवे कर रहा हूं। तो गाइस गिव अवे करने के लिए जो है मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट करा था जिसमें अभी तक 75 वोट्स आए हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम 200 वोट्स आ जाए, उसके बाद ही मैं गिव अवे करूँ। तो गाइस गिव अवे में क्या क्या होगा, टूल होगा, होस्टिंग होगा और बैकलिंक्स होगा, और साथ ही साथ गाइस इसके साथ में गाइस डोमेन। तो गाइस वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से आप जाके वोट कर दो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस कोरा के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बहुत लोगों ने इसमें काम ऑलरेडी करा होगा और बहुत लोगों को इस वेबसाइट से रिजल्ट मिला होगा, ट्रैफिक मिला होगा, और बहुत लोगों को इसमें से रिजल्ट नहीं मिला होगा। जैसे कि मैंने जो है 2016 में मैंने इसमें जो है कोरा पे थोड़ा सा काम करा था और मुझे रिजल्ट मिला था, लेकिन मुझे रिजल्ट तब मिला था जब मैं उस पर रेगुलर वर्क करूँ। अगर जो है मायने में खाली एक आंसर दूँ या एक पोस्ट लिखूँ उससे मेरे पास ट्रैफिक नहीं आएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर इन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले जो है आपको अकाउंट में साइनअप करना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे साइनअप के लिए ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पे जो है आप साइनअप करने के लिए आप अपना फेसबुक आईडी यूज़ कर सकते हो, या गूगल यूज़ कर सकते हो, या मैन्युअली आप यूज़ कर सकते हो। मैन्युअली मीन्स अपना जो ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। तो गाइस अकाउंट को सेटअप करने के बाद आपको सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है प्रोफाइल। आपका जो प्रोफाइल है उसको आपको प्रॉपर अपडेट करना है, प्रॉपर मेंटेन करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो प्रोफाइल है यहाँ पे मैं अपने यूजर नेम पे मैंने क्लिक कर दिया, और यूजर नेम पे क्लिक करते ही एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बायो और मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक, दोनों ही लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने अभी प्रोफाइल इमेज अपडेट नहीं करा, तो गाइस मुझे जो है अभी प्रोफाइल इमेज भी अपडेट करना है। मीन्स आपका जो प्रोफाइल है वो प्रॉपर अपडेट होना चाहिए, तभी आपके पास रिजल्ट आएगा। जैसे आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे जो है आपको वो क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है जो कि आपके ब्लॉग के रिलेटेड हो या आपके यूट्यूब चैनल के रिलेटेड हो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि क्रिएट बैक और विदाउट बैकलिंक्स, मतलब बैकलिंक्स के बिना लिंक बिल्डिंग कैसे करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आंसर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आंसर देने के लिए आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रीडेबिलिटी होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंटेंट देख के बोर हो जाए, ऐसा कंटेंट मत लिखना। और आपका जो कंटेंट वो पॉइंटों में होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉइंटों यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो जितना आपका जो कंटेंट है, जितना आप कंटेंट में पॉइंटर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे यूज़र या विजिटर्स पे। आपके क्वेश्चन के जो आंसर होंगे, मीन्स आप जहाँ पे भी आप आंसर दोगे उस वाले आंसर पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रिजल्ट आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कंटेंट है वो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सेम क्वेश्चन में जाऊँगा और वहाँ पे जो है मैं जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन उसके साथ में मैं यहाँ पे जो है अपना यूट्यूब चैनल का एक वीडियो और अपना जो वेबसाइट का जो होम पेज है उसको मैं यहाँ पे प्रमोट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैं जो है यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको जो है बस डायरेक्टली आप बस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा वीडियो आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे नीचे जो है अपना वेबसाइट का लिंक का मतलब अपना वेबसाइट का जो होम पेज है उसका भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। जी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया है, उसके बाद इसको मैं ऐड आंसर पे क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद मेरा जो आंसर है वो ऐड हो जाएगा। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद जो है इस वाले क्वेश्चन पे जो है ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे आंसर पे भी जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मेरे आंसर पे ट्रैफिक आएगा तभी मेरे जो वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे भी ट्रैफिक
ट्रैफिक आएगा। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आप कोरा यूज़ करना चाहते हो लेकिन वो कोरा जो है आपको रेगुलर बेस पे अगर आप वर्क करोगे तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही साथ गाइस एक और क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर दूंगा, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक क्वेश्चन आ रखा है SEO फैक्टर्स के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे मैं आंसर दूंगा। तो गाइस मैं जो है इस आंसर के लिए जो है कंटेंट में प्रिपेयर कर लेता हूँ। लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप सबने नोटिस करा होगा इस वाले क्वेश्चन पे जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कम से कम जो है 75 कमेंट्स आ चुके हैं और 700 प्लस जो है लाइक्स आ चुके हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मतलब इस क्वेश्चन में जो है अच्छा खासा ट्रैफिक है। तो गाइस इस क्वेश्चन के लिए जो है मुझे आंसर लिखना है, तो गाइस जो मेरा जो आंसर होगा वो SEO आपको जो है SEO फैक्टर्स के रिलेटेड ही आपको आंसर लिखना होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के रिलेटेड ही अगर आप आंसर लिखोगे तभी आपके जो आंसर पे जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो क्वेश्चन आंसर लिख लिया विद पॉइंटर्स के साथ मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बीच में जो है थोड़ा बहुत स्पेस है, स्पेस को मैं हटा देता हूं और यहां पे जो आप इमेज भी लगा सकते हो, जो भी आपका जो कंटेंट का जो इमेज होगा इमेज भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस एक चीज याद रखना, जो भी इमेज आप अपलोड करोगे वो कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% जो है कॉपीराइट फ्री होना चाहिए। और साथ ही साथ गाइस आपके इमेज पे जो है कोई भी लोगो यूज मत करना, ठीक है। सिंपल सा एक इमेज, सिंपल सा आप इमेज क्रिएट कर सकते हो कैनवा यूज करके। और यहां पर और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा लिंक को। तो गाइस जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया और वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। मीडियम ऑफ द कंटेंट मैंने डाला है। एक चीज हमें याद रखना, आपका जो लिंक है वो कंटेंट स्टार्ट होने से पहले कंटेंट पहले पैर मत देना, उससे क्या होगा आपका जो आंसर होगा वो डिसअप्रूव हो जाएगा। तो गाइस आपको जो लिंक जो है वो कंटेंट को बीच में देना है, कंटेंट लास्ट में देना, जिससे लगे कि जेन्युइन आंसर है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक और बता दूं गाइस, ये जो कोरा का जो है ना मैसेज जो है January 31st तक 15 दिन तक 15 दिन तक मैं इसको रेगुलर बेस पर मैं वर्क करूँगा। और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट मैं आप सबको जो है लाइव मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो गाइस वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।